नगर विधानसभा क्षेत्र में रोटी चैरिटेबल ट्रस्ट के इनफैक्ट फाउंडर जनाब श्री सैयद गुलाब भाई और हिमांस और किदवाई और राजीव गांधी हॉस्पिटल के बाजू हर रोज़ गरीबों को एक्चुअली खाना बांटते हैं। मैं भी कुछ दो तीन बार मैं गई थी और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि उधर जो कोई आते हैं वो बहुत दूर से आते हैं, हमारे कर्नाटका से ही नहीं पूरे देश से आते हैं, दूर दूर से आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटी को यूटिलाइज़ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गरीब ही आते हैं। तो इधर हमारे एक छोटा सा एक क्लिनिक बस मिनिमम एक 20 रुपये नहीं हो सकता तो वो भी नहीं है, एक क्लिनिक उन्होंने कम्युनिटी क्लिनिक ओपन किया है, बहुत खुशी की बात है क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को मदद करने का कोशिश करना चाहिए और एक एक्चुअली कम्युनिटी और स्किल सेंटर भी उन्होंने आज ओपन किया, कंप्यूटर क्लासेस, स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि इधर बहुत सारे बच्चे हैं और इस साल तो कोविड के वजह से स्कूल भी नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो बहुत सारे लोगों को पेरेंट्स और इनफैक्ट बच्चों को कंप्यूटर भी मालूम नहीं है, तो ऐसे बेसिक स्किल्स सिखाने का एक छोटा सा सेंटर उन्होंने शुरू किया, तो ये बहुत खुशी की बात है। हाँ, हेल्थ क्लिनिक मैंने बताया ना, कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक, तो मैं सबको सबकी तरफ से उनको और उनके टीम को मैं शुक्रिया अदा बोलना चाहती हूँ। हाँ, और हमारे इस वार्ड के इनफैक्ट पौर कार्मिकास उन सबको एक्चुअली राशन किट भी उन्होंने दिया। बहुत सारे एक्चुअली सोशल वर्कर्स ऐसे आगे आना चाहिए क्योंकि हर एक से जो कुछ हो सकता है हमें गरीबों का मदद करना चाहिए, क्योंकि स्पेशली इस साल से बहुत सारे लोग को एक्चुअली आमदनी कम हो गई है, जॉब से एक्चुअली निकाल दिया है, बिजनेस भी कम हो गया है, तो हमको एक्चुअली दूसरों का मदद ऐसे करना है। थैंक यू सो मच, मेरा सपोर्ट की सारी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ जो हो यहाँ पर करीब 4-5 साल से फूड प्रोग्राम कर रहे हैं, गरीबों के लिए दो वक्त के खाने का इंतज़ाम करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर एक क्लिनिक और एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का यहाँ पर ख़याम अमल में आया, ये बहुत खुशी की बात है। इसके पीछे मकसद ये है कि गुलाब और गुलाब की टीम यहाँ पर बेंगलोर में ज़रूरतमंदों को खाना मुहैया कर रही है और लोकल अपने जो महल्ले वाले हैं, आसपास की जो बस्ती है, वो बच्चे जो बच्चे हैं मासूम, वो कंप्यूटर नॉलेज हासिल करें, बेसिक उन्हें पता चले, वो इंस्टीट्यूट हमारा डालने का वो मकसद है। और ये क्लिनिक डालने का मकसद ये है कि कई ऐसे मुकामात हैं जहाँ पर आज कहीं भी आप जाइए डॉक्टर के पास तो पहले वहाँ पर आपको कम से कम 200 रुपये तो आपको वहाँ पर फ़ीस देनी पड़ती है, तो गरीब आदमी जाने से कतराता है, मेडिकल शॉप से एक टैबलेट लेता है और अपना इलाज कर लेता है खुद ही से। हमारा असल डालने का मकसद ये है कि लोग आए यहाँ पर और अपना प्रॉपर इलाज करा सके, ना कि आप पेन किलर लें और अपनी सेहत ख़राब कर लें, ये मेन मकसद है। मैं गुलाब का और गुलाब की सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज यहाँ पर इतना शानदार काम किया, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे नौजवानों की आप हिम्मत अफजाई कीजिए ताकि बेंगलोर में और कई ऐसे नौजवान एक मोटिवेट हो और ऐसे खिदमत खल्क के कामों में आगे रहे। शुक्रिया। बोल के एक छोटा सा इदारा है, मुसलसल 5 सालों से हम लोग ये निमेंस हॉस्पिटल जो टीबी हॉस्पिटल इंदिरा गांधी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है वहाँ पे मुसलसल हम लोग 5 सालों से जो गरीबों को, जो पेशेंट्स और पेशेंट्स के साथ में जो अटेंडर्स आते हैं उन लोगों को सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना मुहैया कर रहे हैं। और उसी दौरान अब बीच में क्या हुआ, 8 महीने पहले जो सारी हिंदुस्तान सारी दुनिया के अंदर जो कोविड जो पैंडेमिक सारी देश के अंदर चल रहा है, अभी इससे मसला क्या हो रहा है, अभी भूख का तो कोई मज़हब नहीं हो है,
आप सब लोगों को जानते हैं भूख का कोई मज़ा भी नहीं है। भूख तो हर इंसान को लगती है, हर जानवर को लगती है, हर परिंदे को लगती है। जो पत्थर के अंदर, पहाड़ के अंदर में एक कीड़ा रहता है, उसको भी भूख लगती है। तो उसको भी ग़िज़ा पहुँचाने वाला कौन? ऊपर वाला है, अल्लाह ताला ऊपर वाला उनको ग़िज़ा पहुँचाने वाला है। तो हमने इसी दौरान 5 सालों से मुकम्मल काम करते आ रहे हैं। हम लोग लॉकडाउन में भी बहुत सारा तकसीम किया हुआ है, और हमने सोचा कि क्यों ना वो ज़रूरतमंद, अभी देखिए 3 चीज़ आदमी को ज़रूरी है, एक एजुकेशन और दूसरा क्या है, हेल्थ। अब हेल्थ रहेगा तो एजुकेशन करेगा, अभी एजुकेशन के लिए हेल्थ, हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है, इंसान को खाना। हम लोग 3 चीज़ भी एक ही टाइम पे काम कर रहे हैं। अभी जैसे कि यहाँ पे देखे होंगे बहुत सारे छोटे छोटे क्लिनिक हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। अभी लॉकडाउन के दौरान ऐसा मसला था कि कोविड सेंटर्स बना दिए सारे OPD सेंटर्स को। अभी हम लोगों ने उसी दौरान क्या किया, यहाँ पर एक छोटी सी क्लिनिक इतिदा में लाई, तो ज़रूरतमंद जगह वो OPD सारे बंद हैं, जो अपना छोटा मोटा इलाज यहीं पे आके कर सकते हैं बोल के हमने एक प्लान करके एक छोटी सी क्लिनिक बनाई। उसमें हम लोग क्या है, बेसिक मेडिसिन भी साथ में दे देते हैं, और इसमें ख़ासकर लेडीज़ को, बच्चों को, बूढ़ों को, सब लोगों को हम एक बेसिक मेडिसिन भी दे रहे हैं, जो सर्दी खांसी जुकाम बुखार जो भी हो उसमें वो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसी के दौरान हमारे पास में वो क्लिनिक रहेगी, हमारे पास शाम के टाइम पे रहेगी, अभी दिन में टाइम पूरा खाली रहेगा। अभी इसी टाइम पे हमने क्या किया, एक हमारे पास में स्पेस थी, जगह बहुत सारी थी, अब हम लोगों ने उसमें क्या है कंप्यूटर सेंटर्स भी डाला हुआ है। अभी क्या है लॉकडाउन के टाइम पर आप लोगों सभी लोग जानते होंगे सारे हिंदुस्तान के अंदर सारी जगह में सारे स्कूलें बंद पड़ी हुई हैं। अभी क्या है ऑनलाइन क्लासेस घरों में चालू हो गया है सब लोगों को। अभी कुछ लोगों के घरों में कंप्यूटर्स हैं, कुछ लोगों के घरों में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, कुछ लोगों के घरों में स्मार्टफोन भी नहीं है। अभी वो लोग बेचारे क्या करेंगे। अभी वही दौरान हम लोगों ने यहाँ पे कंप्यूटर सेंटर्स डाला हुआ है, अभी कुछ लोग आके ऑनलाइन क्लासेस भी कर रहे हैं, यहाँ पे जूम मीटिंग भी अपने स्कूलों के साथ में जूम मीटिंग भी कर रहे हैं। अभी उसी दौरान जो बेसिक जो कंप्यूटर्स हैं, जो बच्चों को कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है वो भी हम लोग नॉलेज दे रहे हैं, साथ में बेसिक इंग्लिश भी स्पीकिंग का वो भी सिखा रहे हैं। अभी इसी दौरान अभी हम देखेंगे ऊपर वाला चाहेगा तो, अल्लाह चाहेगा तो हम इस काम को और आगे बढ़ाएंगे, और ज़रूरतमंदों को जो गरीब लोग हैं उन लोगों को और मदद के लिए हम लोग सामने आएंगे।